There's a CONCEPT IN LLP WHICH I SPEAK ABOUT AS DB इन एल एल पी विच आई स्पीक अबाउट HAVE NOT DONE LLP, एक तो करो सिंपल मैसेज है कोई लॉकेट साइंस नहीं बट लेट मी शेयर विद यू दिस डीबी एक प्यारा लवली प्यारा सा जानवर है डुक्कर कहां पाया जाता है कचरे के डब्बे में यू नो कीचड़ में और इसको बड़ा मजा आता है

देखा उसको बड़ा मजा आता है उसके बाद तो वो देख रहा है डुकर कि कुछ इंसान मेरे बिहेव करते हैं। वो देखता है कुछ इंसान ऐसे कचरे के डब्बे होते हैं कौन से वाले अतीत के इसने ये डालो क्यों बोला ये ऐसा कचरे का डब्बा है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ अभी दो चार लोग बाहर रह गए हॉल के क्योंकि गेट बंद हो गया है उनका भी कचरे का डब्बा बन चुका है ऐसा कैसे निकाला तो लोगों के कचरे के डब्बे अलग अलग है और जिंदगी आपको ये कचरा देती रहेगी तो कुछ लोगों की आदत है ये डब्बे को इकट्ठा करने की पांच साल के डब्बे दस साल के डब्बे बीस साल के डब्बे कुछ को आदत कुछ को इतना क्लैरिटी है कि जो बीस साल पहले उनकी सास ने उनको जो डायलॉग मारा था जो क्वालिटी के आंसू बीस साल पहले निकले थे आज भी वही क्वालिटी के आंसू ऐसे निकाल सकते क्योंकि क्या हुआ वो कचरे का डब्बा था बीस साल पहला कौन सा सासू मार डब्बा उसमें जाके ये डुकर डाई मारी जहां इनको समय दो ये अपना समय में सीधे जाते हैं कचरे के डब्बे में वहां लौटते हैं किसी के बॉस ने उसकी तारीफ नहीं करी कचरे का डब्बा उसमें लुटता है किसी ने उसको बुलाया नहीं शादी में शादी हमें शादी में नहीं बुलाया कचरे का डब्बा तैयार है अब जब भी वो उसको देखता है सीधा डाई मार के आता है और खूब लौटता है और फिर वर्तमान में आके इसलिए मुझे बड़ा प्यारा लगता है अरे गेडी में बोल आइडिया तो शुक्र मनाओ कि अपन एक्चुअल में डुकर नहीं नहीं एक्चुअल में हाँ हरकत से अलग बात है तो इंसान बने हैं तो इंसान के माफिक तो जीना चाहिए दिस रियलाइजेशन हैज कम इन एंड व्हाट इट इज टू बी बीइंग इट इज टू आउटग्रो ग्रो योर सेल्फ इट इज टू लिव अ लाइफ विच यू नेवर लिव्ड इन द लास्ट सो मेनी इयर्स इट इज टू सी द फ्यूचर एंड से समथिंग कैन बी डन इट इज टू हैव होप इट इज टू हैव अ वेरी हाई एस्पिरेशन अबाउट द फ्यूचर इट इज टू बिलीव कि कुछ तो बढ़िया होना है यार कुछ तो बढ़िया होना है इट बिलीव कि कल भी है और बहुत से इंसानों को अपने भविष्य पे दे डोंट हैव हाई रिगार्ड्स फॉर द फ्यूचर इनफैक्ट दे डोंट बिलीव दैट फ्यूचर आएगा और मजे की बात क्या है हर दिन कहां जाते हो नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉर्निंग पार्ट हर दिन कहां जाते हो भविष्य में और कहां जा रहे हो एवरी डे यू कैन स्टॉप योर सेल्फ यू आर गोइंग इन टू द फ्यूचर कैन यू स्टॉप इट Will it come tomorrow? No. अरे <laughs> yes. yeah. no. been coming into it, right? Every day, every year for the last so many years. तुम जा रहे हो ना भविष्य में तो क्यों नहीं विश्वास है कि कल भी आएगा पिक्चरें देख लेते हो कल हो ना हो जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कल आएगा हाय कल हो ना हो बाबा कल क्यों नहीं होगा इतने सालों से तो होता आया है री लो बिलीफ इन द फ्यूचर एंड दैट इज वाई वी डोंट सेट द्लान फॉर द फ्यूचर यू कॉड सेट यूर प्लान कल आएगा तो ये प्लानिंग करने की काबिलियत कहां से आई बिकॉज यू बिलीव देर इज अ फ्यूचर तो जब हमें विश्वास ही नहीं होता हमारा फ्यूचर डिजनी लैंड है तो हम लोग काय को प्लानिंग करेंगे हमें क्या दिखता है फ्यूचर मयत लैंड रियल परिविंग मेड सो मनी ऑन्ट्रप्रीनर्स मैं मिलता हूँ यू बिलीव इन द फ्यूचर नहीं नहीं अभी क्या होगा अरे क्या होगा अच्छा ही होगा ना नहीं नहीं आपको मालूम नहीं तो करना क्या है वाई रू सो साइड कुछ तो कर सर क्या कर सकते अच्छा मर जा बिकॉज यू आर सो सैड यू आर सो लो यूर सो डाउन कि तुम्हारे आसपास पास की जो थोड़ी बहुत आत्माएं जिंदा थी तुम्हारे ऑफिस में वो भी तुम्हें देख के सामूहिक आत्महत्या करने की सोच रहे हैं एक इंसान के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो सामूहिक इंस्पिरेशन दे सकता है जैसे मैं में या, या फिर सामूहिक कि यार छोड़ना बचा नहीं कुछ लाइफ

And not only in the cricketing world, in entire sports world, not only in sports world, entire business world, he has set a benchmark how leadership is to be done. One man, just one man, who has been acting well, and at the age of 75, he has become a benchmark, a benchmark of how an actor has to live his life, of what professionalism is all about, what age can also go beyond.

not to live for yourself, but to live a higher life. If this thought is coming, then it is worth looking at 2017. Realization We can do a lot more. We should do a lot more because we are not animals. We are the finest of creations and the finest of creations should play the finest of games. We are the Sachins of this world. We are capable of scoring centuries. now we can't play like gully cricket guys. so one more realization which you all need to have with you is along with we realizing the spirit of a human being, a human being has two major aspects which separates us from all other creations. one is the ability to make choices. we all can make choices and we all should make choices. a painting is made stroke by stroke a building is made brick by brick and a life is made moment by moment and every moment of a life is created is made choice by choice you make a choice and every choice creates a moment for you so you are here because you made a choice am i right some people are outside they made a choice they are outside wherever you are is because of a choice you made in the morning or yesterday or day before or a year before it's because of our choices तो अगर आपके आसपास छोटे बच्चे हैं आई रिक्वेस्ट यू आई स्ट्रांगली सजेस्ट लेट देम मेक चॉइसेस as many choices as possible the more they make choices the more they will be in control of their lives हम जाने अनजाने में ना उनका चॉइस मेकिंग की बैंड जा देते हैं वो बैठा होता सोफे पे नाक में उंगली पैर ऊपर तीन साल का बच्चा अभी क्या करेगा क्या बोलती माँ उसको पांव खाली नाक उंगली निकाल ऐसे बैठ, वैसे बैठ। यू वॉन्ट हिम टू बी एग्जैक्टली लाइक यू एंड बच्चा बोलता है मेरी नाक, मेरी नाक, उंगली, क्या है <laughs> <laughs> तो तुम उसको यू हैव स्टॉप हिज चॉइस मेकिंग सीधे को जो बच्चा छोटा था ना तो हिज बर्थ वॉज नॉट इन कंट्रोल एम ए राइट एक दो कार्यक्रम हाँ तो <laughs> उसका जन्म उसके कंट्रोल में नहीं था उसका जन्म हुआ उसका नाम वॉज नॉट हिज चॉइस एम ए राइट उसका धर्म वॉज नॉट हिज चॉइस एम ए राइट वो कौन से स्कूल में जाएगा उसका चॉइस नहीं था बच्चा नहीं बोलता तीन साल का मम्मी कौन से स्कूल में भेजा लड़किया नहीं है He doesn't say this. <laughs> So, बेचारा वो तो क्या तुमने जो चॉइस लिए उस पे वो जिंदगी जी रहा है तो उसका नाम उसका नाम चॉइस नहीं कपड़े जो पहनने उसका चॉइस नहीं और वो जिंदगी जी रहा है जो खिला रहे वो खाता है ही विल नॉट कि नहीं देख लेते जो बुला रही है चॉइस मेकर क्योंकि वो इतना डेवलप नहीं हुआ है फिर धीरे-धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तीन साल का होता है चार साल का होता है उसका मेंटल फैकल्टी स्टार्ट्स डेवलपिंग एंड ही स्टार्ट्स डेवलपिंग द एबिलिटी टू टेक सम कॉल सम डिसीजंस और फिर वो आपसे सवाल करने करता है और वो आपसे सवाल करता है जो आपको पसंद नहीं होती मां आसमान नीला क्यों है बहुत सवाल पूछता है <laughs> बेटा पापा से पूछ पापा वैसे ही हो उनको मालूम नहीं हो क्या लाइफ में

So, <laughs> उसके वो बच्चा अपना डिसीजन लेना चालू कर रहा है और जब वो डिसीजन लेना चालू करता है सडनली हमें लगता है हमारे कंट्रोल से बात जा रही है एज पेरेंट्स एज टीचर्स एज एल्डर ब्रदर सिस्टर्स एक्चुअली ये अपना करने लग गया हिम so स्टार्ट पुशिंग हिम तो बहुत से बच्चे इस प्रेशर में बिकॉज फिजिकली हम स्ट्रांग स्ट्रॉन्गे बिकॉज मेंटली हम स्ट्रॉग है उसको डांट सकते हैं डबट सकते हैं तो बहुत से बच्चे इस प्रेशर में कहते हैं छोड़ना कोई लेगा इससे तो जो तू बोलता है वो करता चल ठीक कुछ ही चंद बच्चे अपनी चॉइस मेकिंग को अपने डिसीजन मेकिंग काबिलियत को बरकरार रख पाते हैं और अक्सर बड़े हो जाते हैं बच्चे और डिसीजन लेने में काफी कमजोर होते हैं अब क्या हो तो होता है आप क्या तू? तो आप ही, बताओ, मैं क्या करूंगी? आप, आज आप ही ने करा है जो करा है मेरे पास आते हैं पेरेंट्स अभी ये बच्चा मेरा ना इसको जरा आप कुछ बताओ कुछ डिसीजन ले पाएगा अरे बाबा सत्रह अठारह साल तुमने जो कार्यक्रम किया है इसके साथ ये ट्रू प्रोडक्ट है तुम्हारा अभी डेढ़ महीने में मेरे साथ तुम चाहते हो मैं अंदर से इसका सिस्टम ओवरऑल करके इंजन पार्टर पार्ट बदल पार्ट के नया इंजन डाल दू बड़ा होता है जो भी आपने किया वो बन गया अभी आप उसको सत्रह साल के बाद बोलते हो यू टेक योर कॉल उसको तो डिसीजन लेने की आदत ही नहीं होती है साइंस लू कॉमर्स लू आर्ट्स लू ये लू आपने उसका डिसीजन मेकिंग बंद कर दिया क्योंकि जब छोटा था ना छह साल का तो आपकी फैक्ट्री में आया था और बोला था पापा इधर वो लेके उसने कुछ कार्यक्रम किया

मेक चॉइसिस लेट्स मेक सम वॉइसिस क्योंकि जानवर के पास चॉइस मेकिंग नहीं होता और जब इंसान भी चॉइस नहीं लेता तो वो भी जानवरों के माफिक हो सकता है